सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कागजों पर चल रहे मदरसे अब बंद होंगे। वहीं मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर चिंतक एवं विचारक और लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने कहा कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म सापेक्ष शिक्षकों क्यों, जब हम धर्म निरपेक्ष हैं सर्वधर्म संपन्न की हम बात करते हैं तो कुछ धर्मों के द्वारा उस धर्म की शिक्षा उनकी संस्थान और संस्कार तक तो आवश्यक है, लेकिन धर्म की शिक्षा के लिए विद्यालय स्वरूप में मदरसों का संचालन अब शक के घेरे में आ गया है। इसके लिए समाज को चेतन को जागृत होना आवश्यक है। अभी जो कुछ समाज में चल रहा है उसमें अब ये प्रश्न बहुत तेजी से उठ भी रहा है, अंतर्द्वंद में भी है, कईयों के समाधान अनुत्तरित हैं, तो निश्चित रूप से अब ये बात बहुत तेजी से उठने लगी है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म सापेक्ष शिक्षा क्यों। जब हम धर्म निरपेक्ष हैं, सर्वधर्म संभव की हम बात करते हैं, तो कुछ धर्मों के द्वारा वो धर्म की शिक्षा उनके संस्कार संस्कृति तक तो आवश्यक है और वो परिवार में उस समय दी जा सकती है, लेकिन धर्म की शिक्षा के लिए विद्यालय स्वरूप में मदरसों का संचालन अब बहुत सारे संदेह और शक के घेरे में आ चुका है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन प्रश्न इस बात का चलिए शिक्षा भी है, फिर उसकी गोपनीयता क्यों, समाज से पृथक उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। यह समाज को इसलिए भी जानना आवश्यक है कि जहां भी कट्टर इस्लामिक शिक्षा हो रही है, जो भी आतंकवादी निकल रहे हैं, उच्च शिक्षित युवा वर्ग भी निकल रहा है, तो वो 99-100% वही हैं छात्र या वही युवा हैं जो कट्टर इस्लामिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब ये समझने का वक्त आ गया है, निश्चित रूप से समाज को चैतन्य और जागरूक होकर इस पर, यह किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हर कट्टर इस्लामिक आतंकी और हर आतंकी कट्टर इस्लामिक, ये अब समझने सोचने और इस पर कुछ करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।